टी20 का सबसे बड़ा महाकुंभ शुरू हो चुका है। अमेरिका और वेस्टइंडीज में क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट का विश्व कप खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप का शानदार अंदाज में आगाज किया है। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने पहले मैच में आयरलैंड को 8 विकेट से हरा दिया और अब टीम की निगाहें पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच पर हैं। मतलब कि क्रिकेट के पिच पर एक बार फिर सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाना है और इस बार सामने होगी चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान की टीम। जिस तरह आयरलैंड की टीम के खिलाफ भारतीय टीम ने प्रदर्शन किया उससे यह साफ हो गया कि यह टीम पाकिस्तान के खिलाफ बहुत खतरनाक साबित होने वाली है। कैसा रहा कल का मैच का रोमांच? क्या पाकिस्तान के खिलाफ कितना रोमांचक मुकाबला होने वाला है? आइए इस खास रिपोर्ट को देखते हैं। भारत में होगी खुशी, पाकिस्तान में होगा गम। नौ जून को भारत वर्ल्ड कप में दिखाएगा दम। भारतीय पेसर्स का होगा आतंक। पाकिस्तानी बल्लेबाजों के नाक में करेंगे दम। क्रिकेट के महाकुंभ में भारत नहीं किसी से कम। भारत ने टी20 के महाकुंभ में जीत से आगाज किया। जायंट किलर कहे जाने वाली आयरलैंड की टीम को ऐसा धोया, न उनके बल्लेबाजों का पता चला न गेंदबाजों का। क्या कप्तान रोहित, क्या विकेटकीपर पंत, हर किसी ने क्लास ली। गेंदबाजों ने आयरिश बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया तो बल्लेबाजों ने 12वें ओवर में ही मैच खत्म कर दिया। कल के मैच को देखकर पाकिस्तानी गेंदबाज और बल्लेबाज कांप रहे होंगे, कह रहे होंगे कि अब उनका क्या होगा, क्योंकि 9 जून को पाकिस्तान का ऐसी टीम के साथ मुकाबला है जिसके सामने वो कभी टिक नहीं पाए। आयरलैंड के खिलाफ पहले तो गेंदबाजों ने कहर बरपाया, कल के गेंदबाजों के प्रदर्शन को देखिए क्या गजब काम किया। वेस्ट इंडीज में टी20 वर्ल्ड कप रखी गई है तो काफी उम्मीदें हैं हम लोगों को। आगे गड़ी हुई कि 2007 की जीत टीम इंडिया करे रिपीट, और जो बड़ी मैच जिसको हाई वोल्टेज का दर्जा दिए जाते हैं इंडिया पाकिस्तान, तो हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान को। गेंदबाजों का जानदार प्रदर्शन, आयरलैंड की टीम 96 रन पर ढेर। बुमराह के बाउंसर के सामने बल्लेबाज फेल। हार्दिक की शानदार गेंदबाजी, अर्शदीप सिंह के वेरिएशन और गुड लेंथ। आयरलैंड के खिलाफ गेंदबाजों ने ऐसा कहर ढाया, इतना तो तय हो गया कि पाकिस्तान को इस टीम से सावधान रहने की जरूरत है। अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी ने 4 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेट झटके, तो वहीं बूम बूम बुमराह ने ऐसा बाउंसर मारा कि 3 ओवर में 2 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हार्दिक पांड्या कहां पीछे रहने वाले थे। पांड्या ने 4 ओवर में 27 रन देकर 3 विकेट झटके। उधर अक्षर पटेल को बहुत ज्यादा गेंदबाजी का मौका तो नहीं मिला, लेकिन अपने 1 ओवर में 3 रन देकर 1 विकेट टीम के लिए निकाला। गेंदबाजों के आतंक के बाद बल्लेबाजों का भी कहर कम नहीं दिखा। ओपनिंग करने आए रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी की, हालांकि विराट कोहली का बल्ला खामोश रहा। तो वहीं 2 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय मैच में वापसी कर रहे पंत ने दिखाया कि वो चयनकर्ताओं की पहली पसंद क्यों रहे हैं। कप्तान हिटमैन के बल्ले से 37 बॉल में शानदार 52 रन निकले। तो वहीं ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 26 गेंदों में 36 रन बना डाले। भारतीय टीम महज 12.2 ओवर में ही मैच जीत चुकी थी। उधर पाकिस्तान भी भारत और आयरलैंड के मैच को देखकर रणनीति बनाने में जुटा होगा, लेकिन इतिहास रहा है, भारत हमेशा विश्व कप में पाकिस्तान पर भारी पड़ा है। टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 7 मैचेस खेले गए हैं। भारत ने 6 तो पाकिस्तान ने 1 बार जीत दर्ज की। 8वीं बार टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। 9 जून को भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 महाकुंभ का सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाएगा। अब भारत की निगाहें पाकिस्तान के खिलाफ जीत पर है। मतलब साफ है कि 9 जून को एक बार फिर पाकिस्तान में टीवी टूटेंगे और भारत में जश्न मनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
अमृत आनंद हमारे सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके पास चलते हैं, उनसे कर लेते हैं खेल की कुछ चर्चा। तो अमृत, अगर देखा जाए तो हमने पॉइंट टेबल जब चेक की तो पॉइंट टेबल में दोनों ए और बी ग्रुप दोनों जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स तो टीम इंडिया के हैं। और कल का जो मैच था वो धमाकेदार था, एक तरफा मैच बिल्कुल इसे कहा जा सकता है। लेकिन 9 तारीख को जो होने वाला है वो सबसे जिसे कहा जाता है हाई वोल्टेज वाला मैच होता है और सबको इंतज़ार रहता है। टिकट्स तो पूरी फुल चल रही हैं और बहुत महंगी टिकट हैं। मेरे एक मित्र जो हैं उनसे जब मेरी बात हुई तो उनको इस बात का मलाल था कि वो नहीं देख पाएंगे क्योंकि टिकट बहुत महंगी है और फुल हो चुका है। तो बहुत हाई वोल्टेज मैच होने वाला है। देखिए पुनीत, भारत पाकिस्तान का मुकाबला कहीं भी हो, विश्व के किसी कोने में हो, तो कहते हैं कि एक्साइटमेंट पूरा होता है। संडे सुपर संडे होगा, इस बात में दो राय नहीं है। एक तरफ राजनीतिक हलचल होगी संडे को, दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा, ये दोनों चीजें आपस में होती रहेंगे। लेकिन मैं कहूं कि जो न्यूयॉर्क है ना इस वक्त, वो आने वाले कुछ चंद घंटों के लिए ना हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तब्दील हो जाएगा, यानी वहां की तस्वीर पूरी की पूरी बदल जाएगी जब आपको भारतीय तिरंगा, पाकिस्तानी फैंस देखने को मिलेंगे, क्योंकि कई सारे फैंस यहां से गए हैं, क्रिकेट फैंस मैच देखने के लिए गए हुए हैं। लेकिन पुनीत, मैं एक बात जरूर मैं यहां पर कहना चाहूंगा, क्योंकि सुबह से शाम तक कल भी जब मुकाबला हुआ था भारत का, उसके बाद सोशल मीडिया पर सवाल आ रहे हैं, मुझसे भी कई फैंस ने पूछा है कि क्या पिच मजा किरकिरा कर रही है, जो ग्राउंड है वो बहुत स्लो है। कल आपने देखा भी होगा रोहित शर्मा या ऋषभ पंत की जो गेंद है वो बाउंड्री पार नहीं कर पा रही थी, यानी ग्राउंडेड शॉट जो आप मार रहे हो वो बाउंड्री की तरफ नहीं जा रही है, पिच स्लो है, ग्राउंड स्लो है। तो हाँ बिल्कुल, हाँ यहाँ पर ग्राउंड और पिच दोनों स्लो है, जो थोड़ा आपको मजा किरकिरा कर सकता है यहाँ पर। लेकिन फिर भी कहते हैं ना धनाधन खेल है यहाँ पर, जिसके बल्ले में ताकत होगी, आग होगा, वो रन बटोर के लेके जाएगा। और कहे कि टीम इंडिया इस वक्त काफी बैलेंसड नजर आ रही है, पाकिस्तान के सामने अनुभव भी अच्छा हमारा है बल्लेबाजी में, कप्तानी में, गेंदबाजी में, यही बता रहा है बिल्कुल। इतिहास तो हम बनाने के लिए ही जाने जाते हैं। हिंदुस्तान की टीम है ना, रोहित शर्मा की जो टीम है, देखिए रोहित शर्मा का बतौर कप्तान ही आखिरी वर्ल्ड कप, विराट कोहली के लिए भी आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। कोच साहब ने ऐलान कर ही दिया है कि भैया ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप है, यानी इस वर्ल्ड कप को भारतीय टीम यादगार बनाना चाहेगी, माकूल है। देखिए हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए फ्रेंडली पिच है, हम स्लो पिचेस पे खेलते हैं, हमें आदत सी है। लेकिन जब ग्रुप स्टेज तक जो ये मुकाबला है ना, कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान को सोचना होगा कि किस तरह से वो टीम इंडिया यानी रोहित की सेना से पार पाएंगे। पंत का बल्ला चल रहा है, कप्तान का बल्ला चला पहले मुकाबले में। देखिए कोहली आउट हो गए वो अलग की मसला है, लेकिन देखिए कोहली कोहली है, वो तैयार बैठे हुए हैं, जो भी रन है ना उनके वो पाकिस्तान के खिलाफ हमें देखने को मिलेंगे। तो तैयार हम भी हैं, आप भी हैं, पूरा हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, एक धमाकेदार वर्ल्ड कप का सबसे सुपर डुपर मुकाबला देखने के लिए। बिल्कुल सुपर डुपर मुकाबला देखने को मिलेगा और वाकई में टीम इंडिया का खेल तो पाकिस्तान की टीम देख चुकी होगी और मैदान थोड़ा सा स्लो भले ही है लेकिन हम तो हवा में छक्के मारने के लिए हमारी टीम जाने जाती है, तो उम्मीद करना चाहिए कि खूब छक्के पड़ेंगे और खूब मैदान में हवा में गेंद तैरेगी। बहुत शुक्रिया अमृत हमसे बातचीत करने के लिए आपका। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें उस पार भी जारी रहेंगी।